Rahim. Governor State Bank, Janab Raza Bakir Sahib. ये जो नया इनिशिएटिव आपने लिया और जो आपके पुराने इनिशिएटिव्स थे उसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि जिस तरह भी एडवाइज़र फाइनेंस ने बताया कि हमारा मसला है क्या, सबसे बड़ा पाकिस्तान का क्या मसला है, क्योंकि हमने कभी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। वो जो 60s में पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था, ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे साथ था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो उस वक्त हांगकांग के बराबर थी। यानी हम आज हांगकांग की एक्सपोर्ट्स की तरह पाकिस्तान की तरह, या सिंगापुर से कोई सोच भी नहीं सकता था कि 60s में पाकिस्तान किधर था और सिंगापुर किधर था, और आज सिंगापुर की एक्सपोर्ट्स गालिबन 300 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं, सबकी ज़्यादा है। मलेशिया की 260 अरब डॉलर या पता नहीं 220 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, तो हमारी ये हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स होंगी इस साल। लेकिन उसके बावजूद बाकी जो इकोनॉमीज हमारे साथ चल रही थी आज से 50-60 साल पहले, वो किधर पहुंच गई हैं, पाकिस्तान किधर है, क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स के तवज्जो ना देने का जो नुकसान ये आज पाकिस्तान पे है कि हम जैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगती है इंपोर्ट्स, क्योंकि इकोनॉमी जब ग्रो करती है इंपोर्ट्स शुरू होती है, एकदम प्रेशर पड़ जाता है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। यानी डॉलर्स ज़्यादा मुल्क से बाहर ज़्यादा जाने शुरू हो जाते हैं, मुल्क में कम डॉलर्स आना शुरू होते हैं, उससे प्रेशर पड़ जाता है रुपए के ऊपर। और ये इसी वजह से कि तकरीबन 20 दफ़ा पाकिस्तान IMF की तरफ पास जा चुकी है, और IMF को हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हमें हमारे डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रिजर्व्स गिर जाते हैं, तो ये साइकिल में हम फंसे हुए हैं। इससे निकलने के लिए रास्ता तो एक ही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, और उसके लिए ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। और इंडस्ट्री यानी आपकी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तब जब हमारी इंडस्ट्री उठेगी। तो इंडस्ट्री स्टैग्नेट की हुई थी पिछले कई सालों से, तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ है, और माशाल्लाह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बड़ी अच्छी ग्रोथ आई है। और इसके बावजूद कि कोरोना का इतना बड़ा एक अजाब सारी दुनिया फेस कर रही थी, उसके उन दिनों के अंदर हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री, वो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे है। लेकिन जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती और हमारी इंपोर्ट्स बदकिस्मती से उससे बहुत ज़्यादा है, तो वो जो गैप है वो सिर्फ एक ही तरीके से हम फिल कर सकते हैं, और वो हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस। एक तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल जो अभी तक सबसे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया, वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस है। और ये रेमिटेंसेस में एक तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का मैं हमेशा समझता हूँ हमारा सबसे बड़ा एहसास है, लेकिन उनके हमने जो स्टेट बैंक ने इंसेंटिव्स दिए उससे भी बहुत हमें फ़ायदा हुआ। रोशन डिजिटल पाकिस्तान, उसका फ़ायदा हुआ, और अब ये जो नई सोनी धरती, एक नया इन्होंने इंसेंटिवाइज किया है कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज पैसा भेजें, तो इसके लिए भी मैं रजा बाकर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे अफसोस तो ये है कि हम 3 साल के बाद कर रहे हैं, हमें आते साथ ही गवर्नमेंट में इस तरह के इंसेंटिव्स देने चाहिए थे कि जो भी पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे भेजे उनके लिए हम इंसेंटिवाइज करें, उनके लिए हम जिस तरह फैसल जावेद ने बड़ी तफसील में बताया कि कितने हमने उनके लिए सहूलतें पैदा की हैं जो भी बैंकिंग चैनल के जरिए अपना पैसा भेजेंगे। मैं जो अगला जो हमारा प्रोग्राम है, और एक तो शुरू हो चुका है, हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए रोशन डिजिटल के जरिए घर भी खरीद सकते हैं, या अपने घर बना सकते हैं, या प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं। और मैं जहाँ तक मैं जितना मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को जानता हूँ, सबसे ज़्यादा वो प्रॉपर्टी के ऊपर, या वो रियल इस्टेट में, या वो ये प्लॉट्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट उधर करते हैं।
और उनकी कोशिश ये होती है कि वहाँ से बाहर से यहाँ पैसा बनाएं और यहाँ के पाकिस्तान में अपना घर खरीदें या घर बनाएं। तो उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है हमारी प्रॉपर्टी के अंदर। उसमें हम पहले तो ये मदद कर रहे हैं कि रोशन डिजिटल के जरिए वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और वो फिर उनके लिए ये भी होगा कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो होगी, बैंक्स पहले देख चुके होंगे कि वो प्रॉपर्टी ब्लू चिप हो, यानी उनसे कोई फ्रॉड ना हो वहाँ, क्योंकि ये भी बड़ी बदकिस्मती है, ओवरसीज पाकिस्तानी के से बहुत फ्रॉड हो चुके हैं, प्लॉट्स लेते हैं उस पर कब्जे हो जाते हैं, या जाली स्कीम्स बनी हुई होती हैं हाउसिंग स्कीम्स, उनके अंदर वो इन्वेस्ट करके नुकसान करते हैं अपना। तो इसलिए ये रोशन डिजिटल के जरिए जो भी वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे वो कम अज़ कम उनको ये पता होगा कि बैंक्स ने पहले चेक किया हुआ है कि वो ब्लू चिप है, यानी वो उसमें वो जो जेन्युइन वो रियल इस्टेट है वो जाली नहीं है। मैं और भी इंशाल्लाह उनके लिए हम और भी इंसेंटिवाइज करेंगे कि रियल इस्टेट में जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम टैक्स में भी उनको छूट देंगे, ताकि उधर भी ये भी हम एक प्लान लाने लगे उनके लिए, ताकि वो और इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं आखिर में अपनी सारी टीम को, इकोनॉमिक टीम को, शौकत तरीन आपको भी और रजा बाखर आपको भी, आप सबको ये चाहता हूँ कि अपने जहन में ये डाल लें कि हमने जब तक, और जो हम पूरा इंडस्ट्री की तरफ तो जोर लगा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स उस लेवल की नहीं आती तो हमें पूरा अब कोशिश करनी चाहिए कि ये जो इतना बड़ा हमारा 90 लाख पाकिस्तानी असासा हमारा बाहर बैठा हुआ है, इनको हमने कैसे इंसेंटिवाइज करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी दर्द रखते हैं, वहाँ बाहर बैठ के बड़ी दुआएं करते हैं अपने मुल्क के लिए, तो उनके लिए हमने कैसे आसानियां पैदा करनी है कि वो पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकें, कारोबार भी चला सकें। उसके लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, रेगुलेशंस कम हों जो रास्ते में रुकावट बनी हुई है, लेकिन साथ साथ और भी हम उनको किस तरह के इंसेंटिव दे सकते हैं कि वो बैंकिंग चैनल के जरिए अपने पैसे पाकिस्तान भी भेजें और उनको फिर उसकी सहूलतें भी मिलें। उनको हम जितना ज़्यादा वो पैसा भेजें उतने हम उनको VIPs बना दें पाकिस्तान में, उनको हर जगह उनको उसका उनकी जो मुल्क का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं उनको भी उसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। शुक्रिया।